स्टार्ट हो गया। मैं बोलता हूँ देखो यहाँ तक आपने पढ़ लिया था बात 2614 से 1526 ईस्वी तक ये 2614 से 1526 ईस्वी ठीक है ना। बाबर का जन्म वगैरह कंप्लीट कर लिया था और अब हरियाणा के शासक के रूप में 2614 से 1502 तक तो बाबर हरियाणा के शासक के रूप में 1594 ईस्वी से 1502 ईस्वी तक रहता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उम्र स्टेटमेंट का उम्र शेख मृदा उम्र शेख मृदा उम्र शेख मृदा एक महत्वा साम्राज्य विस्तार वही प्रगति का कथा। तो उम्र शेख मृदा एक महत्वाकांक्षी वह साम्राज्य विस्तारवादी प्रवृत्ति का था। तो बाबर का पिता उम्र शेख मृदा एक महत्वाकांक्षी वह साम्राज्य विस्तारवादी था। इसके कारण उसके आस पास के जितने राज्य व शासक एवं सभी संबंधी थे वो सभी उम्र शेख मृदा से नाराज थे। तो साम्राज्यवाद के साथ ये महत्वाकांक्षी वह साम्राज्य विस्तारवादी प्रवृत्ति का कथा उसके पास आसपास के जितने भी राज्य व शासक एवं सभी संबंधी थे वो सभी उम्र से मृदा से नाराज थे।
समरकंद के शासक मिर्जा समरकंद के शासक अहमद मिर्जा समरकंद के शासक अहमद मिर्जा एवं उमर शेख मिर्जा के साले महमूद खान एवं अहमद कासिम नहीं बल्कि तो समरकंद के शासक अहमद मिर्जा जो उमर शेख मिर्जा का बड़ा भाई था और उमर शेख मिर्जा के एक साले का नाम था महमूद खान और एक साले का नाम था अहमद खान, इससे भी उसकी नहीं बनती थी। इसीलिए उमर शेख मिर्जा हमेशा अपने शत्रुओं से घिरा। तो कहने का मतलब है समरकंद का जो शासक अहमद मिर्जा था वो उमर शेख मिर्जा का सगा भाई था, बड़ा था, और उसके दो साले थे अहमद खान, ये भी इससे नाराज थे। इसलिए उमर शेख मिर्जा अपने जिंदगी में लाइफ में हमेशा अपने शत्रुओं से गिरा रहा और अपने सगे संबंधियों से भी गिरा रहा। अब देखो जब उमर शेख की 6 जून 1494 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी बाबर बनता। बाबर 10 जून 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। उमर शेख मिर्जा
कि मृत्यु 6 जून 6 जून 1494 ईस्वी बोधन थी। उसका उत्तराधिकारी बाबर बनता है। बाबर 10 जून 1494 ईस्वी में फरना का शासक बनता है। बाबर की उम्र उस समय 11 वर्ष 4 माह थी। तो 11 वर्ष 4 माह की उम्र में बाबर फरना का शासक बनता है और इतनी छोटी उम्र में भी शासक बनने के कारण इसके आस पड़ोसी और सगे संबंधी जितने भी शासक हुआ करते थे जैसे समरकंद जैसे समरकंद, तो समरकंद पर इसका इसके परिवार वाले ही शासन कर रहे थे, समरकंद पर इसके परिवार वाले ही शासन कर रहे थे और इनके जो सगे संबंधी थे फरना में परिवार वाले वो भी बाबर के खिलाफ छोटी उम्र होने के कारण में षड्यंत्र रच रहे थे। तो इस प्रकार से बाबर है जो छोटी उम्र में शासक बनने के कारण इसको फरना से निकालने के लिए हमेशा है जो शत्रुओं का अपने सगे संबंधियों का और रिश्तेदारों का प्रयास रहा है बाबर को फरना से भगाने के लिए। बाबर जब फरकना का शासक बनता है तब उसको दो शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। बाबर जब फरना का शासक बनता है तब उसको दो शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। दो शत्रु कौन कौन है? एक शत्रु अहमद खां, दूसरा दूसरा अहमद मिर्जा। तो देखो सामना करना पड़ता है दो शत्रुओं से बाबर को फरना का शासक बनने के बाद में, अहमद खां और अहमद मिर्जा। अहमद मिर्जा बाबर का चाचा और अहमद खां जो उमर शेख मिर्जा का साला और बाबर का मामा, इन दोनों में मिलकर के फरना से बाबर को भगाने की कोशिश की। बाबर ने 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का पतन प्रयास किया लेकिन
सरकार बाबर ने 1494 ईस्वी में फरना की गद्दी पर बैठते ही बाबर ने 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। लेकिन फिर भी बाबर अहमद खान और अहमद मिर्जा दोनों के आक्रमणों को बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक है जो उनको असफल करता रहा। बाबर के चाचा और संयोगवश बाबर के चाचा या समरकंद के शासक मिर्जा की अचानक मृत्यु हो जाती है। उसकी जगह महमूद खान को समरकंद का शासक बनाया। क्योंकि अहमद मिर्जा के कोई पुत्र नहीं था, अहमद मिर्जा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उमर शेख मिर्जा का साला महमूद खान को समरकंद का शासक बनाया गया। लेकिन 6 माह बाद महमूद खान की मृत्यु हो जाती। तो इस प्रकार महमूद खान की भी 6 माह के बाद मृत्यु हो जाती है। 6 माह के बाद मृत्यु हो जाती है। उसकी जगह वैसुंदर मिर्जा को शासक बनाया जाता है। ये वैसुंदर मिर्जा अहमद खान का पुत्र था।
वैसुधर मृदा को सुल्तान बना ले से समरकंद की जनता वहां के अमीरों कुलीनों सेना अधिकारी ने उसका विरोध जब वैसुधर मृदा को सुल्तान बनाया गया समर्थन का सुल्तान बनाया गया तो वहां की जो जनता थी जनता अमीरों कुलीन वर्गों के लोगों ने और सेना अधिकारियों ने उसका घोर विरोध किया। ये बात समरकंद के लोगों को पसंद नहीं आई, वैसुधर को सुल्तान बनाना उनको रास नहीं आया। वो किसको बनाना चाहते थे? वो अमीर वो अली मिर्जा को समरकंद का शासक बनाना चाहते थे। इसका इस प्रकार से वहां की समरकंद की जो जनता थी वो अली मिर्जा को शासक बनाना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसुधर जो मिर्जा था ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही होशियार व्यक्ति था, चालाक था। इसलिए इसने अपने दम पर समरकंद की जो जनता थी उनको कुचल दिया और शांत कर दिया। उनको अमीरों को कुलीनों को और सेना अधिकारियों को कुचल करके समरकंद ने शांति स्थापित की और सुल्तान ये ही रहेगा। इसलिए जब ये तय हो गया वैसुधर का समरकंद का सुल्तान बनना तो अली मिर्जा नाराज होकर के समरकंद से भाग जाता है, निकल जाता है। आगे जाकर के अली मिर्जा ने इस प्रकार अली मिर्जा ने 1497 ईस्वी में बाबर से संधि कर जब अली मिर्जा को समरकंद छोड़ना पड़ा ये समरकंद से नाराज होकर के निकल गया और बाबर उधर समरकंद को जीतने के प्रयास में उधर घूम रहा था, प्रयास कर रहा था। तो अली मिर्जा ने जाकर के बाबर से संधि कर ली 1494 में। जब 1494 में अली मिर्जा विशेष बाबर की संधि हो जाती है, ट्रीटी हो जाती है, संधि हो जाती है, तो ये दोनों मिलकर के आगे बढ़ करके समरकंद पर अटैक करेंगे।
एवं माहौल। दोनों में मिलकर, दोनों में मिलकर 1497 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण तो अली बिंदर और बाबर दोनों के बीच में जब संधि होगी तो दोनों ने मिलकर के समरकंद पर आक्रमण सब देशों से तक में किया और समरकंद को जीत लिया, समरकंद को जीत लिया, जीत लिया। इस प्रकार समरकंद को जीतने के बाद इस प्रकार बाबर अपने टेकक राज्य समरकंद पर शासक के रूप में देखो समरकंद, समरकंद पर वो पेत्रक अधिकार था, समरकंद पर वह अपना पेत्रक अधिकार मानता था। क्यों मानता था? इसका कारण था जो तैमूर लंग था, जो तैमूर था, तैमूर जो था, तैमूर तैमूर का वह पांचवी पीढ़ी का वंशज था, पांचवी पीढ़ी का वंशज, वो अपने आप को तैमूर का वंशज मानता था। और था क्या? था है, क्योंकि ये तुर्क था, ठीक है ना, बाबर बाबर एक तुर्क था और तैमूर भी एक तुर्क था, तो बाबर का ही तो वंशज था, ये बाबर का ही वंशज था। और जब जब चार पांच में जब तैमूर की जब मृत्यु हो जाती है, तैमूर की मृत्यु मृत्यु होने पर वहां का जो समरकंद का जो एरिया था वो कई भागों में विभाजित हो जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है। इसलिए तैमूर लंग का वंशज होने के कारण हमेशा ही बाबर है जो समरकंद को जीतना चाहता था और समरकंद की गद्दी पर बैठना चाहता था। इस प्रकार से अली मिर्जा का संयोग लेकर के बाबर ने अपने दोनों में लेकर के समरकंद पर अटैक किया, समरकंद को जीत करके उन्होंने बाबर किए गए को बड़ी साफ ली अपने जीवन में, अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण